हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आईसर्स प्लेसमेंट्स, आईसर्स अपॉर्चुनिटीज, आईसर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईसर का आगे जाके क्या स्कोप है, क्या तुमको आईसर में एडमिशन लेना चाहिए। अगर तुम्हारा किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा है तो क्या तुम्हें आईसर में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे गार्जियंस की, पेरेंट्स की, बच्चों की क्वारी आ रही थी कि सर हमारा जो है आईसर के अंदर हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में भी हो रहा है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, क्या हम इसे आईसर में एडमिशन दिलाएं। हमने यूट्यूब पे देखा है कि हम जो आईसर का प्लेसमेंट पैकेज है वो तो एटलीस्ट 1 महीने का 30,000 रुपये होता है। अगर मैं हम किसी अच्छे मेडिकल से इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं या फिर मेडिकल कोर्सेज करते हैं तो उसकी भी सैलरी 1 साल की 1 महीने की एटलीस्ट 1.5-2 लाख रुपए होती है। तो क्या करें, हम आयसर के अंदर लें? बिल्कुल ठीक है। आयसर इज द करीम चीज इन इंडिया। ओके लिसन, आयसर इज द करीम चीज इन इंडिया। ओके, आयसर से बेटर कोई इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगर किसी का, बच्चे का इंटरेस्ट है तो 0 से लेके पीक पे आ सकता है सिर्फ 5 साल के अंदर। बात करते हैं यार आईसर में कितना प्लेसमेंट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे यूट्यूबर्स की बातें बिल्कुल ना सुने, आईसर के अंदर प्लेसमेंट करोड़ों के अंदर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके पेरेंट्स, आईसर में प्लेसमेंट करोड़ों में जाता है। आईसर मेजरली फोकस करता है कि जस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्ट के अंदर, ठीक है, कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या कस्टमर की नीड है, इससे क्या फ्यूचर के अंदर क्या मतलब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे साइड इफेक्ट्स है इसकी। आप आईआईटी से कंपेयर ना करें, आईआईटी मेजरली बहुत अच्छा प्लेसमेंट देती है इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है। आईसर में भी प्लेसमेंट करोड़ों के अंदर गया है। आगे अपन बात करते हैं किसको मिला है, कितने करोड़ को मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही है कि आईसर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे फोकस करता है। इसके लिए मिनिमम आपको एटलीस्ट पीएचडी करनी पड़ती है एंड या पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं। या पोस्ट डॉक क्या होता है भैया, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। आईसर इज द करीम स्टूडेंट्स इन इंडिया, जिसका आईसर में हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए तुमको एडमिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन बात करते हैं कि भैया इंटर्नशिप वगैरह कहाँ पे होती है। भाई इंटर्नशिप की तो क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट तुमको छोड़ते ही नहीं है, प्राइवेट वाले, गवर्नमेंट वाले, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टली तुमको उठा के ले जाते हैं, भैया हमारे साथ इंटर्नशिप कर लो, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ कर लो, हमारे टीचर्स के साथ कर लो, हमारे कॉलेज के साथ कर लो, ठीक है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा, डायरेक्टली हो जाता है इजिली। बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कोलेबोरेशन होता है, इंडिया के अंदर कोई नहीं करता है, डायरेक्टली फॉरेन जाते हैं सारे के बच्चे। और ऐसा नहीं है पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, सारे के सारे पैसे जो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है या फिर जो तुम्हारा आईसर है, आईसर कोलकाता, आईसर मोहाली, वो देगा, ठीक है। तुम्हारा घर से कुछ भी नहीं लगने वाला, तुम्हें बस पढ़ना होता है। आगे अपन बात करते हैं इसके स्टडीज की। तो यार सबसे अच्छा तुम्हारे पास हो सकता है एमओयू प्रोग्राम। अब ये एमओयू प्रोग्राम क्या होता है भैया, एमओयू प्रोग्राम के अंदर ये होता है कि जैसे तुम्हारा 5 साल का कोर्स है, हो सकता है तुम 2 साल आईसर मोहाली के अंदर पढ़ लो और 2 साल इंटरनेशनल डायरेक्टली कोलंबिया या फिर जो भी हार्वर्ड है इंटरनेशनल कोलेबोरेशन इंस्टीट्यूट के साथ कोलेबोरेशन होता है। वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कोलेबोरेशन, उसके अंदर क्या होता है कि आपको 2 साल यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो तो डायरेक्टली आगे के 3 साल, आगे के 2 साल, आगे का 1 साल आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ सकते हैं, वहाँ के टीचर से पढ़ सकते हैं, वहाँ के बच्चों से मिल सकते हैं। तो इस सबको सिमुलेट करने के लिए, इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए यार कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज है, एनआईटीज है, वो भी ऐसा कोलेब्रेशन करते हैं कि 2 साल आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, 2 साल इंटरनेशनल पढ़ाते हैं। तो उसको यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम यानी कि एमओयू प्रोग्राम बोला जाता है, जो कि यूनिवर्सिटीज जो कोलेब्रेशन होता है इसके अंदर भी आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देना होता। हाँ हॉस्टल वगैरह का कुछ कॉस्ट आता है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो भी फीस है वो तुम्हारी एडजस्टेबल होती है, यहीं की फीस है। ये जो सारा हैंडल है गवर्नमेंट करती है या फिर तुम्हारी यूनिवर्सिटी करती है, तुमसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, तुम डायरेक्टली 2 साल यहाँ पे पढ़ सकते हो, आगे के 2 साल इंटरनेशनल पढ़ सकते हो, ये सारा ऑप्शन होता है तुम्हारे पास। और जो इंटरनेशनल के स्टूडेंट्स हैं वो यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी लोअर कॉलेजेस के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट आ जाएंगे, इसीलिए मेजरली जो इंस्टीट्यूट होते हैं या तो फिर बहुत अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो, बहुत पुराना कैंपस हो, या फिर जैसे आईसर है, आईआईटीज है, एनआईटीज है, IIITs है, ऐसे कैंपसेस के अंदर ही ये सारा सीन पॉसिबल है। ऐसे नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ के बच्चे भी यहाँ आते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ आते हैं, या दोनों मिलके पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, लैब्स के अंदर वर्क करते हैं, तो ये सारा सीन होता है।
आगे अपन बात करते हैं एलुमना, ठीक है। तो यार जो भी है स्टूडेंट्स है आयसर के, वो एटलीस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज है, जैसे प्रिंसटोन है, कोलंबिया है, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ अभी वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अगर अपन बात करते हैं आयसर के प्लेसमेंट की, तो आयसर का प्लेसमेंट बहुत बहुत ही ज़्यादा रहता है। एटलीस्ट 1.5 करोड़ का पैकेज लैक में जो कंपनी है, और अपने इंडिया के अंदर भी अभी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं। जैसे आप अगर अपन कुछ मेजरली छोटे छोटे स्टार्टअप्स की अगर अपन बात करें, जहाँ पे आयसर के स्टूडेंट इजिली डायरेक्टली बहुत अच्छा प्लेसमेंट पैकेज पा सकते हैं, जैसे कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे, जैसे कुछ प्राइवेट स्टार्टअप वर्क कर रहे हैं, जैसे आपने वेदांतु का नाम सुना होगा, जो कि प्योरली कस्टमर की स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। जैसे स्किन क्राफ्ट की अगर अपन बात करते हैं, मामा अर्थ की अगर अपन बात करते हैं, जैसे वेदांतु है, क्योर स्किन की अगर अपन बात करते हैं, तो यार ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो आइसर के स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट है, वही बना पाते हैं। भाभा रिसर्च सेंटर है ना, HCL है, NAL है, तो इन सब के अंदर आप डायरेक्टली जॉब पा सकते हो। लेकिन इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट अपने BSMS कोर्स किया, आपको डायरेक्टली वो लोग जॉब दे देंगे, ये सब पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, आपके पास डिग्री पारी होना चाहिए। आयसर्स के अंदर अपन अपन बात करते हैं, तो आयसर कोलकाता प्लेसमेंट के मामले में 1 नंबर पे चल रहा है अभी। आयसर पुणे भी कम नहीं है, आयसर तिरुपति भी कम नहीं है, प्लेसमेंट सभी का ठीक ठाक होता है। ऐसा नहीं है कि आप सभी आयसर कोलकाता के पीछे लग जाए कि आयसर कोलकाता में प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयसर के अंदर सभी के अंदर प्लेसमेंट अच्छा होता है, और जो भी इंडिया के सातों आयसर है बहुत अच्छे हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं रिसर्च एंड अपॉर्चुनिटीज आगे क्या हो सकती है। तो यार आफ्टर BSMS तो ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, आपको एटलीस्ट PhD करना पड़ता है। आप जस्ट PhD करने के बाद जस्ट यूनिवर्सिटीज होते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, IITs है, NITs है, आप वहाँ पे रिसर्च लैब वगैरह में वर्क कर सकते हैं। CSIR लैब्स जो होते हैं, जैसे नेट वगैरह क्लियर करने के बाद आप वहाँ पे कर सकते हैं। रिसर्च लैब एज ए स्टाफ मेंबर आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो भी कंपनीज होती है उस पर आप वर्क कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट सारा काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का होता है। अब अपन बात करते हैं कि जस्ट और कौन कौन सी फील्ड है जिसके अंदर आप रिसर्च और डेवलपमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप जॉब कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, जो नॉर्मल लोग करते हैं आज BTech करने के बाद, गवर्नमेंट करने के बाद जो गवर्नमेंट जॉब होती है, वो तो आप सभी कर ही सकते हैं। सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, टीचिंग जो है आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी अगर आपके पास है, तो जैसे कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारा LN है, जैसे आकाश बायजूज है, अकेडमी है, इस पे आप कर ही सकते हैं। MBA करने के बाद आप आसानी से किसी गवर्नमेंट जो प्राइवेट जॉब पा सकते हैं। UPSC की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट टीचिंग जो भी आप BEd वगैरह कर सकते हैं, PSU जो गेट क्लियर करके आप कर सकते हैं, और सारी गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ के अंदर है। फ्यूचर के अंदर आप क्या कहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं यार इंटरनेशनल जाते हैं, वो डायरेक्टली इंटरनेशनल वाले आते हैं बच्चों को लेने के लिए कि भैया तुम्हारे इतनी स्कॉलरशिप दे देंगे, इतने परसेंट है, तुम्हारे इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको स्कॉलरशिप इतने परसेंट दे रहे हैं, बस हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाओ, पढ़ाई करो, रिसर्च करो। आप IIT, IISc, भाभा रिसर्च सेंटर, HCL, NAL, DRDO, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, TFRC, टाटा, इन सब यूनिवर्सिटीज के अंदर आप जस्ट वर्क कर सकते हो। PhD के अंदर आपका किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप उसमें कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीट PhD आप जस्ट ज्वाइन कर सकते हो CSIR जॉब्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पोस्ट डॉक। अब यार पोस्ट डॉक क्या होता है, पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स जस्ट एक PhD करने के बाद एक डिग्री होती है, जिसके अंदर आप जस्ट क्या करते हो कि इसके अंदर कुछ लिमिटेशन होती है। अगर आपने PhD की है तो एटलीस्ट 5 साल तक आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं। PhD के बाद की डिग्री को ही पोस्ट डॉक कहा जाता है। इसके अंदर एटलीस्ट इसका एक सेपरेट वीडियो मैं यूट्यूब पे जो बना दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर लेना पोस्ट डॉक क्या होता है। इसके अंदर फेलोशिप भी मिलती है आपको, जो है इसकी वो भी स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है पोस्ट डॉक के अंदर। मिनिमम आपकी एटलीस्ट 42 एज होनी चाहिए, ओके। और अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 45 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है आयसर के अंदर। एटलीस्ट अभी तक 1.5 करोड़ का गया है शायद लेक में वगैरह में, और जैसे अजीब प्रेम जी है, और HCL है, DRDO भी यार रिक्रूट करता रहता है, ओके। और इंडिया के अंदर उतना मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप जरूर ले किसी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ के, अगर आपको आयसर में एडमिशन मिल रहा है, आयसर इज ए करीम चीज, फिर आपको बता रहा हूँ, आयसर के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा है तो जरूर ले, सपोर्ट यूनिवर्सिटी का आपको बिल्कुल ना गंवाई। थैंक यू सो मच, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।